कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में फैसला हुआ कि घाटी में अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षित जगहों पर पोस्टिंग की जाएगी। दरअसल हाल के दिनों में कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। 2 जून को पहले बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई, फिर उसी दिन बिहार से आए मजदूर दिलखुश को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमले में दिलखुश का एक साथी भी घायल हो गया। 4 दिन में टारगेट किलिंग की ये तीसरी घटना है। सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है सर। वो सेफर प्लेसेस वो जो बता रहे हैं दैट इज विद इन द सिटी ओनली, तो श्रीनगर में तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं जो सेफ है। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्ती से पेश आएगी। सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगी, साथ ही उनके घर पर बुलडोजर भी चलवाया जाएगा। इस बीच यूपी पुलिस ने हिंसा के आरोपियों की पहचान का दावा किया है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। दरअसल कानपुर में आज 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाजार बंद कराने को लेकर 2 गुट भिड़ गए थे, बाद में दोनों तरफ से पथराव हुआ। हालात नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। करीब 4 घंटे तक चले उपद्रव के बाद हालात काबू में किए जा सके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है। उन्होंने शिवलिंग मामले का मिलकर समाधान निकालने की भी सलाह दी है, साथ ही कोर्ट का फैसला सभी को मानने की बात कही है। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। भागवत ने यह भी साफ कर दिया कि अयोध्या के बाद संघ किसी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। जहां एक तरफ उनके बयानों का स्वागत हो रहा है, तो उनके बयान के विरोध में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है, VHP बनने से पहले अयोध्या संघ के एजेंडे में भी नहीं था। 1989 में भाजपा के पालनपुर प्रस्ताव के साथ ही अयोध्या एजेंडे का हिस्सा बन गई थी। RSS ने राजनीतिक दोहरेपन को सिद्ध किया है। काशी मथुरा कुतुब आदि सभी का संघ से सीधा संबंध है। हालांकि कांग्रेस और देवबंद ने उनके बयान का स्वागत किया है कि जब मुल्क के अंदर जो है अमन अमान बर्बाद हो रहा है, भाईचारे को खतरा लाहक हो चुका है, ऐसे मौके पर भागवत जी का जो बयान आया है भाईचारे को लेकर, मस्जिद और मंदिर के मसले को लेकर, तो बहुत अच्छा बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परोंख पहुंचे और परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर एक बार फिर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने में परिवारवादी उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं। ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि जब पार्टियां परिवारवाद से खुद को मुक्त करेंगी तभी लोकतंत्र कामयाब हो सकेगा। हालांकि वो परिवारवादी पार्टियों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपके बीच भी कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश में परिवारवाद से जैसी बुराइयों को न पनपने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने निवेशकों से काशी को बिजनेस हब बनाने की अपील की। काशी का सांसद हूं तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बड़ी। पीएम ने कहा कि G20 अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है उस पर खरा उतरने के सामर्थ्य सिर्फ भारत के पास है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहरा रवैया अपनाने के लिए एक बार फिर यूरोपीय देशों को आईना दिखाया। उन्होंने दो टूक कहा कि यूरोप को दूसरों की समस्याओं को भी समझना होगा और अपनी समस्याओं को दुनिया पर थोपने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। यू नो समवेयर यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स दैट इट्स इफ इट इज यू इट्स योर्स इट इज मी इट्स आवर्स। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत का अमेरिका या चीन के नेतृत्व वाले किसी खेमे में शामिल होना जरूरी नहीं है और भारत को अपनी पसंद चुनने का हक है। I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. विदेश मंत्री जयशंकर ग्लोबसेक 2022 सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्लोवाकिया के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रशिया के साथ तेल खरीदने के मुद्दे पर भी यूरोपीय देशों की दोहरी नीति पर सवाल उठाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। पुष्कर सिंह धामी ने 54,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चंपावत सीट से उतारा था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और उन्हें मात्र 3,141 वोट ही मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सीएम बनाए रखा और आज उन्होंने उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि सुरक्षा में कटौती किए जाने के फैसले के बाद मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ, लिहाजा पंजाब सरकार की जांच पर भरोसा नहीं कर सकते। इस बीच मूसेवाला के हत्यारों की बलेरो गाड़ी फतेहाबाद में सीसीटीवी में कैद हुई है। संदिग्ध बलेरो दिखने के बाद पुलिस ने गांव भिड़ाना में छापा मारकर दो युवकों को दबोचा है। माना जा रहा है कि ये दोनों हत्याकांड में शामिल हैं। शुक्रवार को मूसेवाला की हत्या के छठे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके घर पहुंचे। भगवंत मान ने मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।